अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास क्लास नाइन्थ का जो पेपर है फिजिक्स का जो आज आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ लगी हुई है तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आपने पहले चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल पर गैस वगैरह सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। अच्छा, अगर हम सेक्शन बी की बात करें, एमसीक्यू उसको बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ से तो हम निकलें। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, दैट आर व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज एंड कंस्ट्रक्ट एनी फोर। मैंने आप लोगों को कहा था बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज और इनका ये टेबल शेबल आपने लाजमी करने हैं, तो देख लो एक आ गया। उसके बाद जो इसका पार्ट बी आया है वहाँ से, हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द विंडोज एंड वेंट ऑफ द रूम। खिड़कियों और रोशनदानों से जो हीट की ट्रांसफ़र का अमल है ये कैसे होता है। बुक से बेशक नहीं कि आप लोगों को खुद कॉमन सेंस है कि खिड़कियों से आप लोग की जो वार्म एयर है वो बाहर निकलती है गर्म एयर, और अंदर ठंडी एयर आती है और टेम्परेचर को मेंटेन करती है बाहर के टेम्परेचर से। अगर आपने अंदर हीटर लगाया हुआ है, अगर कमरा खोलते हो तो ठंडी हवा अंदर दाखिल हो जाती है और गर्म हवा क्या होती है बाहर भाग जाती है, और इस तरह हीट ट्रांसफ़र होता है, आप लोगों का कमरा वापस ठंडा हो जाता है। तो ये इतनी ज़्यादा एग्जांपल थी, आप इसको एग्जांपल देकर वजाहत कर सकते थे। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को 300 माइक्रोमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट है। आप लोगों को कहा था पहले चैप्टर से कन्वर्जन आनी चाहिए। उसके बाद डिग्री फारेनहाइट के कैसे बराबर है, तो इसको उसी तरह कन्वर्ट करना था, तो ये सेम ही बन जाना था। उसके बाद आप लोगों को मैंने थर्ड में बताया था जी रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और एक ट्रांसलेटरी थी, कि कहा था ये तीनों आपने करनी है, और ये आप देख दो पेपर में आई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें गैस से आई हैं इस पेपर में। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर द चेंजेस एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ़ द बारोमीटर शो इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या वेदर कैसा होगा या बारिश होगी क्या होगा, तो इसको आपने कर लेना था। बेशक नहीं भी आता तो पीछे वाला क्वेश्चन आसान था। इसके बाद ये साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने कहीं आप लोगों को किसी पास पेपर या कहीं दिखाया था। वो कहता है कि अगर वो गिर जाता है तो हेलमेट किस तरह उसको प्रोटेक्ट करता है। आपने इसको फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी के कॉन्टेक्स्ट में बताना था, तो हेलमेट क्या करता है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो उसके अंदर वो फोम वगैरह लगा होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है फोर्स का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जितना ज़्यादा टाइम कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो इस तरह का इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो इस वजह से जो फोर्स वो क्या होता है उसका नाम, जो आपकी जो वजन जोर लगता है फोर्स लगती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद किलोवाट पर आवर को आपने मेगा जूल में कन्वर्ट करना था, इसको प्रूव करना था कि ये दोनों कैसे बराबर हैं। उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आप लोगों को बताया था, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी आपने साथ लिखना है। उसके बाद आप लोगों को वैल्यू ऑफ जी कहते हैं कि आपने निकालनी है, फॉर्मूले दिए हुए थे आप निकाल सकते थे। अच्छा, स्क्रू गाज का भी ये न्यूमेरिकल कई जगह मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, और इसकी देखो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों को रीडिंग दे देगा, और आप लोगों को पिच या लीस्ट काउंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्नियर और स्क्रू गेज दोनों का बताया था। उसके बाद हमारे पास ये एक आ गई जी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना था। अच्छा, अगर आगे आते हैं तो हमारे पास 7 नंबर मास ऑफ अर्थ आप लोगों को मैंने बताया हुआ था यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, वही आ गया है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यूरेनियम वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आया है, ये मैंने नहीं डिस्कस किया था। उसके बाद आउटर एज ऑफ रोड वाला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्यों हाई होती हैं इसको एजेस या टर्न से। इसके बाद अगर नीचे आए तो हमारे पास हुक्स लॉ मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने आप लोगों को उस वक्त चीख चीख के वीडियो में बताया था कि रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन, ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन थर्ड लॉ के साथ किस तरह इसका आपस में मुताबगत रखती है या रिलेशन है उसका। वर्नियर कैलिफर स्क्रू गेज का आप लोग को भी मैंने बताया था करना है पूरा टॉपिक, तो आपने किया है तो ये आप हल कर सकते हो। रेडिएशन इसके बाद हमारे पास आ गया, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन ये भी मैंने आप लोगों को बताया था।
उसके बाद टार्क और मोमेंट आर्म वगैरह भी ये बताया था कि आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लेनी है और फैक्टर्स भी चलो साथ में आ गए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पेपर मैंने आप लोगों को कल फुल बुक गैस में और बाकी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा पास पेपर में बताया था। तो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर आया, मैंने पेपर को देखा है अभी लॉन्ग में तो मेरा दिल खुश हो गया कि मैंने जो जो चीज़ें बताई थी एग्जैक्टली सेम आप लोगों के पास वही लॉन्ग आ गए। अच्छा ये आप देख लो लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों को कहा था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर या 2 AS दोनों करनी है। ये बहुत जगह मैंने आप लोगों को मार्कर से हाईलाइट करवाई थी ये क्वेश्चन, तो ये आप लोगों के पास आ गई। उसके बाद आप लोगों का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है इसका मुझे नहीं याद, और उसके बाद अगर हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी और इसका फार्मूला आप लोगों को मैंने कहा था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आप लोगों को शॉर्ट के लिए मैंने कहा था, तो ये भी चलो लॉन्ग में आ गया है। इसके बाद लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, शो दैट लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एंड डेंसिटी, तो इसकी जगह आप लोगों को पता नहीं ये मैंने बताया नहीं, मेरे जहन में नहीं है अभी। इसके बाद हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप लोगों को कहा था न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसके साथ मैथमेटिकल फॉर्म भी थी ये डेरिवेशन, ये आपने लाजमी करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लो ये आ गया। ये वाला लॉन्ग, ये वाला लॉन्ग और ये वाला लॉन्ग तो मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया था जिसकी हद नहीं है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल अब मुझे नहीं याद, मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, और ये कार स्लो